आज के समय में इंटरनेट, ईमेल और सोशल नेटवर्क में हम एट द रेट का यूज करते ही रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इसे एट द रेट ही क्यों बोलते हैं और इस एट द रेट का यूज पहली बार कब किया गया था। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। क्या आपको पता है सिर्फ कुछ कंट्रीज में ही इस सिंबल को एट द रेट बोलते हैं। दुनिया भर में अलग अलग लैंग्वेजेस में सिंबल को अलग अलग नाम दिया गया है। आर्मेनिया में इसे छिपा हुआ कुत्ते का बच्चा बोलते हैं, चाइनीज में इसे घुमावदार ए कहते हैं और ताइवान में बोली जाने वाली चाइनीज भाषा में इसे छोटा चूहा कहते हैं और डेनिश लैंग्वेज में इसे हाथी की सूंड कहते हैं। यूरोप के एक देश में एट द रेट को कीड़ा कहते हैं और कजाकिस्तान में इसे चांद का कान कहते हैं। जर्मनी में एट द रेट को स्पाइडर मंकी भी कहते हैं और यूनानी में एट द रेट को बतख कहा जाता है। ज्यादातर कंट्रीज में एट द रेट को किसी जानवर के नाम पर रखा गया है। वैसे स्लोवाकिया में एट द रेट को अचारी फिश रोल और तुर्की में खूबसूरत ए कहा जाता है। सिंबल्स के मोर्स कोड में पहले विश्व युद्ध के बाद कोई नया सिंबल जोड़ा गया था तो वो सिर्फ एट द रेट ही था। इंग्लिश के इस सिंबल एट द रेट का मतलब स्पेनिश और पुर्तगाली भाषा में है। साल 1536 में वजन तोलने के बाद उसकी रेट बताने के साथ एट द रेट का यूज किया जाता था। इसके बाद साल 1971 में कंप्यूटर इंजीनियर्स रे टॉमलिंसन ने सबसे पहले ईमेल के एड्रेस को बनाने के लिए एट द रेट का यूज किया था और तब से लेकर आज के समय तक एट द रेट का यूज ईमेल के लिए किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें।